ME MA 304 CNC machines and automation, unit 4, constructional details of CNC machines। आज हम यूनिट 4 के सब यूनिट 4.3 स्लाइडवेज को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सीएनसी मशीन के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स या डिज़ाइन, मशीन टूल का डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हम मशीन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर चुके हैं, सीएनसी मशीन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, और आज हम स्लाइड वेज के बारे में बात करेंगे। एक पहली चीज, स्लाइड वेज क्या होता है। कोई भी मशीन टूल पे जहाँ पे जॉब माउंट हुआ है, और जब वो जॉब जिस वर्क टेबल पे माउंट होता है, जिस स्लाइड पे माउंट होता है, फिर वो स्लाइड उसके ऊपर, स्लाइड वेज के ऊपर टू एंड फ्रो ट्रेवर्स या लॉन्गिट्यूड मूव करती है, तो स्लाइड जो होती है वो स्लाइड वेज के ऊपर मूव करती है। और जो स्लाइड वेज के ऊपर जब स्लाइड मूव करती है तो उनके अंदर सरफेस कांटेक्ट होता है, और सरफेस कांटेक्ट मैं बात कर रहा हूँ परंपरागत मशीन की, कन्वेंशनल मशीन की। तो कन्वेंशनल मशीन पे अगर लेथ पे हम देखें, लेथ पे देखें या मिलिंग पे देखें या ग्राइंडिंग मशीन को देखें हम या शेपर मशीन को देखें, तो उस पे जहाँ जॉब वर्कपीस जहाँ माउंट हुआ हुआ है, होल्ड हुआ हुआ है, तो वो वर्क टेबल जो आगे पीछे मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, वो स्लाइड वेज में मूव करती है। और परंपरागत या कन्वेंशनल मशीन में स्लाइड वेज और स्लाइड का जो कांटेक्ट होता है वो सरफेस कांटेक्ट होता है, और इसकी वजह से, सरफेस कांटेक्ट होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर हम कंपेयर करें रोलिंग फ्रिक्शन से या पॉइंट फ्रिक्शन से, उसके मुकाबले इस फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कन्वेंशनल मशीन टूल में डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन स्लाइड वे और मूविंग स्लाइड्स पे। देखिए, जो कन्वेंशनल मशीन है उनके अंदर जो स्लाइड मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, और मशीन का जो यूटिलाइजेशन है वो भी कम होता है जब हम कंपेयर करें सीएनसी मशीन के ऊपर। तो इसलिए अगर स्लाइड का मूवमेंट बहुत स्लो स्पीड में हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, मशीन यूटिलाइजेशन कम है, तो वहाँ पे इस तरह की स्लाइड वेज जहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे वो चीज़ पॉसिबली हो जाती है, वहाँ दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन जब हम सीएनसी मशीन की बात करें, सीएनसी मशीन में जो स्लाइड्स का मूवमेंट होता है वो बहुत रैपिड मूवमेंट होता है, और मशीन का ये जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी मशीन कंटिन्यूस, सीएनसी मशीन्स कंटिन्यूस काम करती रहती हैं, और जब वो कंटिन्यूस काम करेंगी तो स्लाइड के मूवमेंट बराबर होते रहेंगे। अब स्लाइड का मूवमेंट बराबर हो रहा है और रैपिड स्पीड में हो रहा है, तो उस वजह से हम वहाँ पे ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन या इस तरह की स्लाइड वेज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें जब किसी सीएनसी मशीन के स्लाइड वे को डिज़ाइन करना है तो हमें उसके लिए ये चार चीज़ें दिमाग ध्यान में रखनी होती हैं। पहला है रिड्यूस फ्रिक्शन, दूसरा रिड्यूस वियर, तीसरा सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्लाइड्स, और तीसरा इम्प्रूव स्मूथनेस ऑफ द ड्राइव। मैं थोड़ा एक एक करके इन सब के बारे में बताता हूँ अभी। देखिए, पहला जो डिज़ाइन कंसिडरेशन होगा सीएनसी मशीन टूल के स्लाइड का, वो होगा रिड्यूस फ्रिक्शन। हमें जो भी स्लाइड वे डिज़ाइन करने हैं सीएनसी मशीन टूल के लिए, उनमें फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए। मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, अगर हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उसके लिए हमें स्लाइड
को मूव करने के लिए हमें ज़्यादा पावर की मोटर्स लगानी पड़ेंगी। एक इसका जो वो है डिसएडवांटेज, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो पहला तो क्या हुआ कि हमें उस स्लाइड को मूव करने के लिए फ्रिक्शन ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी उस स्लाइड को मूव करने के लिए अलोंग द स्लाइड वेज। उसकी वजह से हमारा मोटर का साइज़ बढ़ जाएगा, हमारा पावर कंजम्पशन, जो मोटर ज़्यादा बड़े साइज़ की होगी उसको ज़्यादा फ्रिक्शन के ऊपर काम करना है तो नेचुरल सी बात है वो मोटर भी पावरफुल होगी और इस वजह से उसका जो पावर कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगा। मोटर का साइज़ बड़ा होगा, मोटर का पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, प्लस ज़्यादा बड़ी मोटर होगी, ज़्यादा पावर पे काम करेगी तो उससे हीट जनरेशन भी ज़्यादा होता है, इंटरनल हीट जनरेशन। और हम ये पहले देख चुके हैं कि इंटरनल हीट जनरेशन भी हमें मिनिमम रखना पड़ेगा जिससे कि हीट डिस्टॉर्शन के कारण मशीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई गड़बड़ नहीं हो। अब ये जब बात आई स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तो ये पैरामीटर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें रिड्यूस फ्रिक्शन के साथ अपने स्लाइडवे सीएनसी मशीन के डिज़ाइन करने होंगे। दूसरा चीज़ रिड्यूस वियर, क्योंकि स्लाइड सीएनसी मशीन टूल कंटिन्यूस वर्क काम करते रहते हैं, वर्क के ऊपर लगे रहते हैं, जॉब के ऊपर, तो इस वजह से उसका स्लाइड का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और रैपिड मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे घिसने वियर एंड टियर के चांस ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ आप ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं तो उसका वियर नेचुरल है, उसका वियर जल्दी होगा। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड वे को डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमारा वियर मिनिमम हो। ऑल दो हम मशीन से हम ज़्यादा काम ले रहे हैं, स्लाइड वेज का मूवमेंट बहुत रैपिड हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से डिज़ाइन पैरामीटर्स को रखना होता है या वो मटेरियल लेने होते हैं कि जिससे वियर कम से कम हो या वियर मिनिमम हो। फिर आता है सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्लाइड्स, यानी स्लाइड के जो रिक्वायरमेंट्स है, मूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, अगर मूव हो रहा है तो कहीं पे भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी हमें सेटिस्फाई करनी होगी। डिज़ाइन पैरामीटर इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा स्लाइड वे को कि वो मूवमेंट ऑफ द स्लाइड्स को के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करें। फिर लास्ट जो चीज़ें, इम्प्रूव स्मूथनेस ऑफ द ड्राइव। जब स्लाइड मूवमेंट कर रही है तो जैसे ही आप देखिए कि कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है और उसको आप एकदम चलाने की कोशिश करते हैं तो इनिशियल एक हल्के से झटके के साथ वो स्टार्ट होती है, और या जब उसको अपने रोका स्पीड में, अगर कोई चीज़ चल रही है उसको रोका तो वो झटके के साथ रुकती है। तो ये स्मूथनेस हमें, ये झटका और ये जो इनिशियल जो स्टार्टिंग है, एकदम सडन स्टॉपिंग है, उस वक्त जो जर्क है ये नहीं होना चाहिए सीएनसी मशीन टूल के स्लाइड वेज में। स्पीड ज़्यादा है तो एकदम उसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो उस वक्त हमें पूरी स्मूथनेस चाहिए हमारी ड्राइव की, यानी स्लाइड जो मूव हो रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथली मूव हों, स्मूथली रुकें, उस पर किसी किस्म का कोई झटका या वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए हम जो स्लाइड वे को डिज़ाइन करते हैं उसके लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज काम में लेते हैं, लीनियर बियरिंग्स विद बॉल्स या रोलर्स यूज़ करते हैं या निडल्स यूज़ करते हैं, और हम सरफेस कोटिंग्स यानी स्लाइड वे के ऊपर हम सरफेस कोटिंग लगाते हैं जिससे कि ये ऊपर के जो चार पैरामीटर हैं ये हम डिज़ाइन पैरामीटर जो हैं इनको हम सेटिस्फाई कर सकें। अब सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वे। तो ये जो फिगर 4.1 है ये हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वे है, इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में स्लाइड वे है और उसके ऊपर ये स्लाइड मूव कर रही है जिसमें ऑयल इनलेट दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है और साइड में भी दिया हुआ है। तो ऑयल इनलेट का मतलब यहाँ से हमें ऑयल इसमें भरना होता है, डालना होता है, साइड में भी हम डालेंगे और ऊपर से भी डालेंगे, और ये ऑयल उस स्लाइड में से होता हुआ उस स्लाइड वे, बीच वाला जो पोर्शन है स्लाइड वे वाला, ऑयल पॉकेट के थ्रू वो स्लाइड वे तक पहुँच जाता है। तो हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वे में अपन एयर या ऑयल को
स्मॉल पॉकेट्स या कैविटीज, जो इस ऑयल इनलेट है उसको अपन ऑयल पॉकेट या ऑयल कैविटी कह सकते हैं, ऑयल इनलेट को, जो कि स्लाइड या कैरिज के अंदर मशीन की हुई हैं, उसके अंदर अपन पंप प्रेशराइज एयर या ऑयल अपन उसमें डालते हैं और ऑयल पॉकेट के थ्रू वो स्लाइड वे तक पहुंच जाता है। अब जो ये फ्लूड है ये क्या करता है कि ये ग्रेजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर देता है जैसे ये पॉकेट्स में से बह के बाहर निकलता है। और कहाँ निकल और किस जगह ये लेयर आ जाती है ऑयल की, ये उस जो स्लाइड और स्लाइड वे के बीच में जो हाउस के अंदर जो गैप है, बहुत हल्का सा गैप है, उसके बीच में ये एयर की या ऑयल की एक बहुत ही थिन लेयर ये बन जाती है, ये आप फिगर में जैसा कि देख रहे हैं। और हाइड्रोस्टेटिक जो स्लाइड वेज हैं ये ऑलमोस्ट एक फ्रिक्शनलेस कंडीशन बना देते हैं जिस स्लाइड के मूवमेंट के लिए, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस कंडीशन ये बना देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट जो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट था वो स्लाइड और स्लाइड वे का, वो अब ना हो के स्लाइड और स्लाइड वे के बीच में एक बहुत ही थिन लेयर, अगर प्रेशराइज्ड एयर है तो उसकी, अदरवाइज जो हमने ऑयल डाला है उसकी एक बहुत ही थिन लेयर हो जाती है और डायरेक्ट मेटल टू मेटल जो कॉन्टैक्ट है, सरफेस कॉन्टैक्ट है, वो हम कम कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए लेकिन ये ज़रूरी होता है कि जो आपके स्लाइड वेज और जो स्लाइड हैं ये बिल्कुल, इनके सरफेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, इस पर किसी किस्म का आपका बर या आप कोई स्वार्फ या आपके चिप्स वगैरह यहाँ नहीं होने चाहिए। और हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज के लिए ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है कि इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए कि जिससे कि एडिक्वेट सपोर्ट मिले और वो एक लेयर फॉर्म हो सके। तो ये था आज हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज।